अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आजकल हम सभी बदलते हुए मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्किन और बालों का ख्याल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। इस मसले का हल लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल ड्राई या कॉम्बिनेशन है, इसको हाइड्रेट रखने के लिए, इसको रिंकल फ्री बनाने के लिए और बिल्कुल बेबी सॉफ्ट बनाने के लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल फेस वॉश। बनाना बेइंतहा आसान है, घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, मेरे साथ साथ बना लीजिए। अगर नहीं है तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, मंगा लीजिए। बेइंतहा बजट फ्रेंडली और बनाना बहुत आसान। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हनी, जिसमें पाए जाते हैं ढेरों एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और इसमें होती हैं हीलिंग प्रॉपर्टीज़। मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून रॉ हनी के लिए हैं, आप किसी भी किस्म के हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं अपने फेस वॉश में कॉफ़ी, वो इसलिए कि कॉफ़ी में पाई जाती हैं एंटी ब्लेमिशेस प्रॉपर्टी, जो कि आपकी स्किन में डीप पेनिट्रेट करके आपके पुराने तमाम दाग धब्बों को साफ करेगी। अगर आपको पिगमेंटेशन है उसमें हेल्प करेगी और मलाजमा में भी आपकी हेल्प करेगी। इसका मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है ग्लिसरीन, जो कि आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करेगा, ह्यूमेक्टिन का काम करता है, आपकी स्किन को बना देगा बेबी सॉफ्ट, रिंकल फ्री। यहाँ हम लेंगे इसके 2 टीस्पून। तो हमारा नेक्स्ट मैजिकल इंग्रेडिएंट है इस फेस वॉश के लिए ऑलिव ऑयल, जिसे आप टॉपिकली इस्तेमाल करें या इंटरनली लें, दोनों तरह से आपके लिए बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसमें। यह आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, रिंकल्स को अपलिफ्ट करेगा और ड्राइनेस को बिल्कुल दूर कर देगा। इसके यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड हो रहा है इस फेस वॉश में, विटामिन ई ऑयल, जो कि इस फेस वॉश को प्रिजर्व करेगा। आपकी स्किन पे अगर किसी किस्म का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसे दूर करेगा, आपकी स्किन को बहुत लंबे अरसे तक जवान रखेगा और टाइटनेस प्रोवाइड करेगा। यहाँ मैं इसका ले रही हूँ 1 टीस्पून। फेस वॉश में झाग होना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो हम कहाँ से लेके आ सकते हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी वॉश, या फिर आप अपना पुराना फेस वॉश ले लीजिए, उसके तकरीबन 2 टीस्पून या फिर 3 भी ले सकते हैं, वो इस सारे ब्लेंड में ऐड कर लें। अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, एक एक करके सब एक बोल में आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। मिक्सिंग के लिए आप विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ब्लेंडर में भी इसको 15 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लें। तो देख लिया आपने कितनी आसानी के साथ घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की मदद से हमने ज़बरदस्त सा फेस वॉश तैयार कर लिया। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ख़ुद विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे और आपकी स्किन भी आपको थैंक्स किए बगैर नहीं रह सकेगी, खूब ग्लो करेगी, खूब आप शाइन करेंगे और आपके फ्रेंड्स भी आपकी खूबसूरती का राज ज़रूर पूछेंगे। तो लीजिए, हमारा DIY विंटर स्पेशल फेस वॉश तैयार हो चुका है। इसको साफ़ सुथरी बॉटल में आप सेव कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। ये क्वांटिटी आराम से आपके लिए काफ़ी रहेगी, 7 डेज आप सुबह शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत हो पहले अपने फेस को हल्का सा गीला कर लीजिए, फिर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लीजिए और उसे अप्लाई कर लें। 2-3 मिनट के लिए इसका मसाज कीजिएगा अपने फेस पे, और फिर ठंडे पानी से अपना मुंह धो लीजिए और फिर वापस आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। अब आपकी स्किन किसी भी तरह की हो और आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आप अपने आप को लंबे अरसे तक खूबसूरत और जवान रख सकते हैं इस फेस वॉश की मदद से। इस्तेमाल कीजिएगा और अपने रिजल्ट्स मुझे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे एक और नई और मज़ेदार कारामद वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।